बहुत सारी सब्जियों का मिक्स करके एक अचार बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। और इस अचार को आप इस तरह से बनाएंगे, साल भर तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप इस अचार को साथ साथ में खाना चाहें तो साथ साथ में भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए गाजर ली है। जो गाजर लेनी है थोड़ी सी मोटे वाली गाजर का आपने यूज करना है। और गाजर आपने तोड़ के चेक भी कर लेनी है, एक आध पीस चेक कर लीजिए ताकि अंदर से हार्ड ना हो। सबसे पहले आपने गाजर को छील लेना है और छीलने के बाद आप इसके जो अंदर व्हाइट पार्ट होता है ना इसको आपने निकाल देना है। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है और टेस्ट को भी खराब करता है। और इसके बाद आपने गाजर को लंबा लंबा काट लेना है इस तरह से, ज्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी है नहीं तो गाजर को गलने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये देखिए सारी की सारी गाजर यहां पे मैंने कटिंग कर ली है। इसके साथ में हम मूली का यूज करेंगे, तो दो मूली ली यहाँ पे मैंने देखिए, और मूली को आपने छील लेना है। छीलने के बाद आप इसको भी फिंगर कटिंग में काट लीजिए। इसके साथ में हम अचार में शलगम का यूज करेंगे। शलगम को आप धो के ऐसे भी डाल सकते हैं अचार में, अगर आप छीलना चाहें तो अचार में आप इसको छील के भी डाल सकते हैं। शलगम को आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा सा काट देते हैं और काटने के बाद आप इसको भी लंबा लंबा कटिंग कर लीजिए। गोभी ली यहाँ पे, गोभी को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और धोने के बाद आपने इसके डंठ लेना, उनका यूज नहीं करना है। जो फूल फूल रहेंगे गोभी के उनको इस तरह से देखिए अलग कर दीजिए, और जो फूल है ना उसको आपने 1/2 और 1/4 कर देना है, बीच से काट देना है, क्योंकि डंठल के साथ रहेगा तो गलता नहीं है चलती। इसके साथ में आपने मिर्ची ऐड करनी है, हरी मिर्च। मैं तीखे वाली मिर्च का यूज कर रहा हूँ, आप चाहें कम तीखी मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। तो मिर्ची को आप देखिए 1/2 कर दीजिए इस तरह से। और इसके साथ हम नदरू ऐड करेंगे, कमल ककड़ी, लोटस स्टंप भी बोलते हैं इंग्लिश में से। तो इसको आपने ना छील लेना है, और छीलने के बाद आप इसको पतला पतला लंबा लंबा काट लीजिए। 1/2 नहीं करना है आपने इसको, इस तरह से आपने इसकी ना कटिंग कर लेनी है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका भी अचार में। तो ये देखिए सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास इन सब्जियों में से कोई सब्जी ना हो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो नदरू है ना ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इनको बॉयल करना जरूरी होता है। तो इनको आपने ना सबसे पहले 2 से 3 मिनट तक बॉयल कर लेना है थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब हम इनको अचार में डालें तो हमारा सारे का सारा अचार 4 से 5 दिन के बाद खाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये देखिए 3 मिनट तक मैंने नदरू को यहाँ पे बॉईल कर लिया है। इसके बाद इनको छान लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी की सारी सब्जियाँ मिक्स कर दी हैं और एक बड़ी सी ट्रे में देखिए सब्जियाँ डाल दी हैं यहाँ पे। इसके साथ में हम यहाँ पे नींबू का यूज भी करेंगे। तो 4 से 5 आपने नींबू लेने हैं और उनके ना 4 से 6 पीसेस करके डाल देने हैं साथ में सब्जियों के। और जो नदरू थे उनको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, छानने के बाद थोड़ा सुखा लिया था, इनको भी साथ में डाल देते हैं। अब आपने यहाँ पे नमक ऐड करना है, तो कम से कम 3 से 4 छोटे चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और नमक के साथ में आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड करना है ताकि अचार में जो है अच्छा कलर आए। नमक का यूज आप अचार जब भी बनाते हैं ज्यादा करना होता है, इससे वो सब्जियां बहुत ही जल्दी गल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। सारी सब्जियों को नमक के साथ अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपने ना एक कपड़ा लेना है, या तो आप इन सब्जियों को इसी ट्रे में ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए, या कोई भी पतला सा कपड़ा लेना है आपने, और ये सारी की सारी सब्जियां एक कपड़े में डाल देनी है। इससे क्या होगा, कपड़े के अंदर ना मॉइस्चर रहेगा और जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी गल भी जाएंगी। तो कितनी देर आपने इनको रखना है, कम से कम 12 से 16 घंटे तक आपने इन सब्जियों को ना कपड़े के अंदर डाल के छोड़ देना है। तो मतलब ओवरनाइट आप इन सब्जियों को इस कपड़े में बांध के छोड़ दीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से बांध देते हैं। आप नेक्स्ट डे जब इन सब्जियों को देखेंगे ये सब्जियां ना सॉफ्ट हो जाएंगी, गलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से कपड़े में बांध के ऊपर से कवर करके आपने ना इनको 12 से 16 घंटे तक छोड़ देना है। और अगले दिन आप देखेंगे जब ये ट्रे हटाएंगे ना तो इन सब्जियों में काफ़ी सारा पानी दिखेगा आपको, और जो सब्जियां कपड़े के अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जो पानी है इसको आपने हटा देना है, इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों के अंदर जितना मॉइस्चर कम रहता है ना अचार उतना ही ज़्यादा दिन चलता है। तो चलिए कपड़े की गांठ को हटा देते हैं, इसको खोल देते हैं। और ये देखिए सब्जियां भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसके बाद आपने सब्जियों को ना एक ट्रे में डाल देना है, या फिर आप किसी कपड़े के ऊपर डाल दीजिए। इसके बाद आपने सब्जियों को ना एक दिन की धूप लगवानी है ताकि इनमें ना जो मॉइस्चर बचा भी है वो भी खत्म हो जाए, वो भी बिल्कुल कम हो जाए। तो ये देखिए ट्रे में मैंने सब्जियों को डाल दिया है और एक दिन तक इनको धूप में रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखिए एक दिन की धूप लगवा ली है। अब देख सकते हैं जो मिर्ची अच्छी खुट चुकी है और जो सब्जियां वो भी थोड़ी सी यहाँ पे ड्राई हो चुकी हैं। तो ये तो सब्जियों का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे आपने कटिंग करनी है, कैसे आपने इनको गलाना है और इनको कैसे धूप लगवानी है। अब अचार का ना मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, 2 बड़े चम्मच इसमें सरसों के बीज ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच आपने इसमें मेथी दाना ऐड करना है, और इसके साथ में हम सौंफ ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच आपने इसमें सौंफ का यूज करना है, मोटी बारीक सौंफ जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं।
एक बड़ा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है, एक छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए। तो ये जो सारे मसाले होते हैं ना, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, तो इन्हीं मसालों को आपने यूज करना है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आपने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि मसालों का फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए और मसाले जो है अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद इनको हम क्रश कर लें या कूट लें दरदरा सा। तो ये देखिए यहाँ पे मसालों को दरदरा सा क्रश कर रहा हूँ मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल के। आप चाहे इन मसालों को कूट के भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा अचारी मसाला जो देखिए तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है, उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। अचार जो है सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है और काफी टाइम तक इसको हम स्टोर करके भी रख पाते हैं। तो 200 ml मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से आप गर्म कर लीजिए, तब तक गर्म करना है जब तक इसमें थोड़ा धुआं ना निकल जाए ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। तो देखिए ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद आपने ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए जब आप इसमें मसाले डालें। तो देखिए ऑयल हमारा गुनगुना हो चुका है। एक बड़ा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। साथ में आपने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करनी है, हींग भी डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। और आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं और मसालों को ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, अचार को तीखा करने के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च का यूज किया है। अब इसके बाद हम सब्जियों में अचारी मसाला ऐड कर देंगे। जो मसाला हमने दरदरा सा ग्राइंड करके रखा था, तो पूरा ही मसाला देखिए मैंने डाल दिया है। इसके साथ में जो ऑयल हमने हल्दी और मिर्ची वाला बना के रखा था वो भी ऐड कर देते हैं। तो ऑयल मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, उसको बाद में यूज़ करेंगे, पहले सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और एक बात, सब्जियों को आपने इसके बाद ना हाथ से नहीं मिक्स करना है, सब्जियों को आपने ना पलटे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से हाथ से मिक्स करेंगे ना अचार बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और हाथ भी गंदे होते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने ना इसमें 2 बड़े चम्मच विनेगर ऐड करना है, वाइट विनेगर। इससे अचार खट्टा भी होगा, लॉन्ग टाइम तक भी चलेगा और अचार जो है जल्दी गल भी जाएगा। आधा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है और जो बचा ऑयल था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए अच्छे से पैन को साफ करके आप इसमें ऑयल पूरा डाल दीजिए और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ओके, देखिए जो हमने इसमें ना देगी मिर्च पाउडर यूज किया है उससे बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। और एक बात, आपने विनेगर का यूज भी कम करना है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नींबू भी ऐड किए हैं तो वो भी अचार को खट्टा करेंगे। और नमक डालना तो यहाँ पे मैं भूल ही गया, तो 1.5 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक का यूज अब आपने कम करना है क्योंकि सब्जियों को जब हमने कपड़े में बांध के रखा था ना उस टाइम भी नमक का यूज किया था। और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इस अचार को स्टोर कैसे करना है, इसके बाद आपने एक कांच का जार लेना है, कोई भी कांच का या प्लास्टिक का जार ले लीजिए और इसको आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसमें ना पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये देखिए। और इसके बाद आप इसमें अचार को ना डाल दीजिए, पानी या मॉइस्चर रहेगा उससे ना अचार जल्दी खराब हो जाता है। और एक बार जब भी आप अचार को खाने के लिए निकालें तो साफ चम्मच का यूज करना है, उसमें भी पानी वगैरह लगा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए अचार मैंने यहाँ पे भर दिया जार में, ऊपर से कवर कर देते हैं। इसको आप ना 3 से 4 दिन तक धूप लगाइए, सॉफ्ट हो जाएगा और इसके बाद आप इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर।